डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर से। मैं आपका पेपर प्रशासनिक विचारक एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स, इसमें आज स्टार्ट करवा रही हूँ। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, इसमें हम करेंगे स्टूडेंट्स इनका इंट्रोडक्शन, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन, इनके एक्सपेरिमेंट और उनकी आलोचनाएँ। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर को इतिहास में वैज्ञानिक प्रबंध और व्यवस्था अभियांत्रिकी का जन्मदाता कहा जाता है। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो कंपनी में पहले श्रमिक बने और अपनी योग्यता के बल पर कंपनी के प्रबंधक बन गए थे। इन्हें कार्य कुशलता का उपदेशक भी कहा जाता है। इनका ये कहना था, जीवन में आनंददायक कार्य करने की बजाय हम कार्य को ही आनंददायक बना दें तो बहुत अच्छा होगा। विंस्लो टेलर का जन्म 20 मार्च 1856 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में हुआ था। इनके पिताजी वकील थे, यह भी अपने पिता की तरह वकील ही बनना चाहते थे, लेकिन बचपन से में इन्होंने एक लैम्प की रोशनी में अध्ययन किया था, जिससे इनकी आंखें बहुत कमज़ोर हो गई थी और इनका ऊंची शिक्षा प्राप्त करने का सपना पूरा नहीं हो पाया था। इन्होंने कंपनी में सबसे पहले एक श्रमिक के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। बाद में ये वहाँ के पद सोपान को तय करते करते इंजीनियर के पद पर पहुँच गए थे। इनके बारे में डैनियल बेल का ये कहना है, अमेरिका जैसे खुले समाज में काम करने के बाद भी टेलर को किसी भी प्रकार का कोई शौक नहीं था। वो ना तो शराब पीते थे और ना ही धूम्रपान करते थे और चाय कॉफ़ी भी नहीं लेते थे। फिर भी इन्हें नींद नहीं आने की बीमारी थी, इसलिए ये पीठ के बल लेटकर नींद इन्हें नहीं आती थी। ये बिस्तर या तकिए पर कुर्सी के सहारे ही लेटकर अपना काम करते थे। इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उसमें हैं शॉप मैनेजमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, शॉप मैनेजमेंट 1910 में, साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 1912 में। ये इन्होंने थॉमसन के साथ लिखी थी। टेलर का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। टेलर ने पुरानी मान्यताओं को तोड़कर नई मान्यताओं का प्रतिपादन किया था। लेकिन टेलर के बारे में जानने से पहले इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। उन एक्सपेरिमेंट के बाद ही इन्होंने अपना साइंटिफिक मैनेजमेंट में इनका जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इन्होंने दिया था। इनका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था मिडवेल अनुभव। मिडवेल एक स्टील की कंपनी थी। टेलर ने यहाँ कुछ भी जो भी देखा वो मिडवेल अनुभव के नाम से जाना जाता है। उन्होंने यह देखा कि कर्मचारी या श्रमिक जो भी काम कर रहे हैं वो एक जैसे नहीं हैं, उनका काम करने का अपना एक तरीका है। टेलर ने इसे व्यवस्थित सोल्जरिंग का नाम दिया। सोल्जरिंग का अर्थ है उद्योगों में धातुओं के गर्म और तरल पदार्थों से तारों को जोड़ने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। लेकिन यहाँ पर सोल्जरिंग शब्द उन्होंने परंपरावादी जो है तकनीक उनके लिए प्रयोग किया था। टेलर ने प्रबंधक को यह कहा कि श्रमिक के दिन भर के काम को देखें और उसके बाद उनके वेतन का, उनके कार्य के अनुसार वेतन का निर्धारण करें। दूसरा था टेलर का वेंथलेहम प्रयोग। यह 1899 में एक स्टील कंपनी में हुआ था। इसमें पहला प्रयोग था कच्चे लोहे को हटाने के प्रयोग। टेलर ने देखा कि कंपनी में कच्चे लोहे को हटाने के लिए श्रमिकों को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। अगर श्रमिकों को उनके कार्य के दौरान उन्हें विश्राम की सुविधाएं दी जाए तो उत्पादन में वृद्धि होगी। और ऐसा ही हुआ।
इससे उत्पादन 12.5 टन से बढ़कर 47.5 टन प्रतिदिन बढ़ गया था। दूसरा था वेंथलेहम प्रयोग में फावड़े का प्रयोग। टेलर ने स्टील की कंपनी में ये देखा कि श्रमिकों के द्वारा सामान को उठाने के लिए जो फावड़ों का प्रयोग किया जा रहा है वो बड़े बड़े और भारी भारी थे। टेलर ने यह कहा कि यदि इन फावड़ों का आकार हम छोटा और हल्का कर दें तो उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, और जब ऐसा किया गया तो उत्पादन क्षमता 16 टन से बढ़कर 59 टन प्रतिदिन हो गई थी। तीसरा प्रयोग इसी सीरीज़ में उन्होंने धातु कटाई प्रयोग मेटल कटिंग एक्सपेरिमेंट किया था। यह प्रयोग टेलर ने 26 साल तक किया था। इसमें 30,000 घटनाओं को उन्होंने देखा और इस प्रयोग पर 1.50 लाख डॉलर खर्च हुए। इन प्रयोगों से टेलर ने यह बताया कि किसी भी धातु की कटाई मशीन की गति, मिलिंग मशीन, ड्रिल प्रक्रिया, कार्य की योजना और दूसरे उपकरणों पर निर्भर करती है। टेलर का कहना था कि इन सभी बातों को हम ध्यान में रखें तो धातु की कटाई अच्छी तरीके से की जा सकती है। 1906 में उनका एक आर्टिकल लिखा गया था ऑन द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स में टेलर ने कई वैज्ञानिक सुझाव दिए थे और इन सब के परिणाम स्वरूप अमेरिका में औद्योगिक विकास को एक नई गति मिली थी। जब भी हम टेलर का स्टूडेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें मिडवेल अनुभव, वेंथलेहम प्रयोग में कच्चे लोहे को हटाने का प्रयोग, फावड़े के प्रयोग और धातु कटाई प्रयोग को बताना होगा। अब हम हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट या वैज्ञानिक प्रबंध क्या होता है। टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध एक मानसिक क्रांति है जो उद्योगों के मालिकों के लाभ के साथ साथ श्रमिकों की संपन्नता को भी सुनिश्चित करती है। विज्ञान और उद्योगों में परिवर्तन से समाज का हर पक्ष प्रभावित हो गया था। अमेरिका में शुरू हुई ये प्रबंध क्रांति कोई किसी घटना का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ये तो सुधारवादी प्रयासों का परिणाम है। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता कहा जाता है। उन्होंने कहा है, वैज्ञानिक प्रबंध किसी संगठन में काम करने वाले श्रमिकों की दृष्टि से एक मानसिक क्रांति है। यह मालिक और श्रमिकों के हितों को ध्यान रखती है और कहती है कि दोनों के हित आपस में जुड़े हुए हैं। वैज्ञानिक प्रबंध की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। वैज्ञानिक प्रबंध संघर्ष के बजाय सहकारिता पर बहुत ज़्यादा बल देता है। यह विचारधारा यह मानती है कि अधिकार और उत्तरदायित्वों की सीमा निर्धारित होनी चाहिए। यह विचारधारा संघर्ष के बजाय सहकारिता पर बहुत जोर देती है। साथ ही यह विचारधारा प्रेरणादायक मजदूरी, श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण, संसाधनों के सही तरीके से प्रयोग पर बल देती है। वैज्ञानिक प्रबंध यह मानता है कि मानव के हितों के प्रति उदार रहना चाहिए। यह विचारधारा संगठन के उद्देश्यों के लिए श्रमिकों की शक्ति और कौशल का किस तरीके से प्रयोग किया जाए यह सुनिश्चित करती है। वैज्ञानिक प्रबंध में वैज्ञानिक विधि पर कार्य करने पर जोर दिया जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध यह कहता है कि संगठन में हर कार्य नियोजित तरीके से किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध के इन विशेषताओं के बाद इसके कुछ उद्देश्य हैं, जैसे संगठन के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करना,
संगठन के संसाधन जैसे मशीन, पूंजी, मानव और तकनीक का संगठन के हित में सही तरीके से प्रयोग किया जाना, मानसिक क्रांति उत्पन्न करना, वैज्ञानिक सिद्धांतों को लागू करना, न्यूनतम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन करना, कार्यों में तार्किकता का समावेश करना, संगठन में मालिक और श्रमिक दोनों के हितों की रक्षा करना, यह सारे वैज्ञानिक प्रबंध के दृष्टिकोण या उद्देश्य कहे जाते हैं जो महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक प्रबंध और परंपरा प्रबंध क्या एक ही है या दोनों अलग अलग हैं। इस बच्चों दोनों ही अलग अलग हैं। परंपरागत प्रबंध की अगर हम बात करते हैं तो यह अंगूठा नियम पर आधारित था। इस परंपरागत प्रबंध में सारी बातें पुराने तरीके से काम किया जाता था। कार्य करने की कोई योजना नहीं बनाई जाती थी। स्वामी सेवक की अवधारणा थी। इसमें समस्याओं का समाधान पुरानी परंपराओं के अनुसार किया जाता था। इसमें पूंजीपतियों के हितों की रक्षा की जाती थी। इसमें पूंजीपतियों का जो कार्य करने का तरीका था वो तानाशाहीवाद था। इसमें एक डर या भय का वातावरण संगठन में पाया जाता था और स्वामी सेवक की अवधारणा होती थी। जबकि हम अगर वैज्ञानिक प्रबंध की बात करते हैं तो यह वैज्ञानिक आधार पर निर्भर था। इसमें नियोजन का स्थान बहुत ज़्यादा था। मानसिक क्रांति को अपनाया गया था। इसमें मिलजुल कर समस्याओं को सुलझाया जाता था। उच्च अधिकारी का जो दृष्टिकोण था वो प्रजातांत्रिक था, यानी वो अधीनस्थों के हितों का ध्यान रखता था, उनको उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार कार्य सौंपता था। हर कार्य नियोजित तरीके से किया जाता था और कार्य करने में वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता था।